तहसील महबूब जो कि चेयरमैन है के साथ कुछ चंद ही लम्हात में मेरे ख्याल में टास्क जो है शेयर बनी होगी और मुझे मदद करनी चाहिए अनपेक्षित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में 20 और इसमें बहुत शुक्रिया गैला सर, मैं यही कहूँगा कि अगर टीम दो मिनट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि आप लोग फाइनल में पहुंचे हैं। आप दोनों टीमों को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। सबसे इम्पोर्टेंट खेल में डिसिप्लिन, सबसे इम्पोर्टेंट आवाज़ शायद सबसे इम्पोर्टेंट खेल में है डिसिप्लिन। आप दोनों टीम्स जो हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, आप छोटे भी हैं, कुछ छोटे लोग भी खेल रहे हैं आपके साथ, तो ये भी आपसे सीखना चाहिए इनको भी आपसे सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन रखना है आगे फ्यूचर के लिए। अंपायर जो डिसीज़न देते हैं वही फाइनल डिसीज़न रहेगा। और आप लोग तो काफ़ी यहाँ पे क्रिकेट का यहाँ पे पुराने प्लेयर्स हैं, रांची के प्लेयर्स खेलते रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये फाइनल भी आज अच्छे तरीके से हो। बाकी मेरी तरफ से आप सब लोगों को यही मैसेज है कि खेल कूद की तरफ सबको मतलब इन्वॉल्व किया जाए, यूथ्स को। आपका भी एक मैसेज रहना चाहिए इस टूर्नामेंट की तरफ से कि खेल कूद ही इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग ड्रग्स की तरफ जाएं। और काफ़ी खामियां हैं यहाँ पे भद्रवाह में, मैं देख रहा हूँ। यूथ को इन्वॉल्व करें आप लार्जर स्केल पे स्पोर्ट्स में, और बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यूथ एक्शन कमेटी का कि उन्होंने इस टाइप का यहाँ पे प्रोग्राम, ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। थैंक यू सो मच। 41 बनाने के बाद जो है तो काफ़ी अच्छा मौका था। आज मैं यहाँ पे इनको चुनाव के अंदर कलर को बाहर के खेल रहे हैं। पाँच कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को, थैंक यू, शुक्रिया। और इसके बाद मैं चीफ गेस्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस्मान नजार जो हमारे यहाँ पे कीपर रहे, उस्मान नजार जो चिनार 11 के कीपर हमारे बेहतरीन बेस्ट कीपर का इनको जो है अवार्ड दिया जाता है यूथ एक्शन कमेटी भद्रवाह की जानिब से। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा चीफ गेस्ट साहब से कि वो सुदेश मनास जो कि यूथ एक्शन कमेटी के हमारे रूहे रवा कन्वेनर भी हैं, इनको भी मेडल से नवाजे। और इसके बाद मैं रांझी प्लेयर हनान मलिक साहब से भी गुजारिश करता हूं जो कि किश्तवाड़ से यहां पे, और ब्रेडली है यहां पे, ब्रेडली भी है वो भी यहां पे सामने आए। और मैं गुजारिश करता हूं सुदेश मनहास जी से कि वो हनान मलिक को मेडल दें जो जिन्होंने बेहतरीन इनकी कारकर्दगी रही। ये क्रिकेट का चलता रहता है, दस्तूर है, किसी दिन फॉर्म में होते हैं, किसी दिन नहीं होते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रेडली भी हैं, मेरे क्लासमेट अरशद साहब जिनको ब्रेडली के नाम से भद्रवाह में जाना जाता है, तो इनकी बेस्ट कारकर्दगी के बारे में के ये हमें बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ये एक लेक्चरर भी हैं। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपको किस तरह से आप देख रहे हैं भद्रवाह के नौजवानों को क्या करना है। देखिए भद्रवाह में काफ़ी सारे लोग क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जैसे इम्तियाज साहब जिन्होंने पिछला टूर्नामेंट कराया। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मैच रहा काफ़ी मुकाबला रहा, इसमें दोनों टीमों में, दोनों टीमें बड़ी पावरफुल थी। और हमारा मकसद जो था आज का, जो आज ये हमारा मकसद कामयाब हुआ कि दोनों टीमें फाइनल में आई और दोनों भद्रवाह की टीमें थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भद्रवाह की एक नई टीम जो उभरी है इसमें जो फाइनल में पहुंची, जिन्हें फाइनल भी आज जीता चिनार क्रिकेट क्लब, इसमें सारे जो है थे छोटे छोटे लड़के थे, यंग यूथ था जो पहली बार इनने एंटर कराई अपनी टीम और पहली बार ये फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीता। और हमारा मैसेज रहा इन तक यही कि जो आप में टैलेंट है,
वो आप आगे लाइए, यही हमारा मकसद भी था, जो इनका टैलेंट है वो हम आगे कहीं ले जाएं। तो इसी मकसद को आज मैंने ये अपने अंदर खुशी महसूस की है कि भद्रवाह की यूथ के अंदर जो खूबियां हैं, जो इनके अंदर एक ताकत है, वो अच्छे रास्ते पर ये यूज़ कर रहे हैं। और कल को ये अगर यहाँ पे से निकलते हैं, रांझी प्लेयर निकलते हैं यहाँ से, वो कल को देश के लिए भी खेलेंगे, यही हमारा मकसद है। एलजी साहब से आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है, क्या कुछ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी? मेरी सबसे पहली डिमांड जो वहाँ पे रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि क्रिकेट के रिलेटेड जो यूथ है काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो मुझे काफ़ी डिमांड आई इनकी तरफ से कि यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए। मेरी पहली डिमांड रहेगी कि हमारी भद्रवाह को एक स्टेडियम दिया जाए, जहाँ पे हमारे लड़के जो हैं अपना हुनर दिखा सकें और बाहर से भी टीमें यहाँ आ सकें। आने वाले दिनों में कोई और प्रोग्राम आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जैसे हमने कल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बीडीए के राजेंद्र खजूरिया जी, जो कि हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस क्रिकेट में भी, उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप दी, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स हुई, उन्होंने बोला कि अगर मौसम ठीक रहा तो आने वाले दिनों में हम दंगल का यहाँ पे शुरू करवा रहे हैं, दंगल कंपटीशन, जिसमें प्लेयर जो हैं, जिसमें जो पहलवान जो है पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आते हैं, और दो दिन का हम वो करवाने जा रहे हैं। मीटिंग में जब आप एलजी साहब से मिलेंगे, क्या आप भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाने की बात रख पाएंगे, क्या कहेंगे? वो तो हमने ऑलरेडी हमारे एडवाइज़र साहब मलिक साहब, इन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें हमारे कैंपस जो है यूनिवर्सिटी फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी की डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, और साथ में इस यूथ की भी मैं तभी स्टेडियम की डिमांड भी रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।